नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में जो है शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में जो है मुगल वंश चल रहा है। मुगल वंश में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में टोटल 6 राजाओं के बारे में पढ़ना था, जिसके 4 राजाओं के बारे में पढ़ लिए हैं और 5वां राजा भी शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सारे वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके अपना वीडियो को नहीं देखें उसको देख सकते हैं। और मैं हम लोग यहाँ पे अभी शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। शाहजहां जो है मुगल वंश का 5वां राजा था। इसने जो है 1627 से लेकर के 1658 तक शासन किया। इसके पिता का नाम था जहांगीर और माता का नाम जोधाबाई। इसके पत्नी का नाम जो है मुमताज महल, जो कि अर्जुन मंद बानो बेगम के नाम से भी जाना गई। इसके जो 4 पुत्र थे, पहला का नाम दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, इसके 4 पुत्र थे। इसमें जो है हम लोग केवल वैसे क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, जो कि शाहजहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, शेष को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि शाहजहां के शासनकाल जो है हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल के नाम से जाने जाते हैं, और जहांगीर का क्या था, चित्रकला का स्वर्णिम काल, और शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। शाहजहां ने कुछ इमारतें बनवाया, तो इसमें क्या क्या बना, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया और आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल से जो क्वेश्चन आता है कि यह कहाँ है, तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है, आगरा में यमुना नदी के किनारे। इसमें बनने में टोटल 22 साल लगे, 1631 से लेकर 1653 तक इसमें काम चलता है। इसमें मिस्त्री कौन था, तो मिस्त्री था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, और इसको डिजाइन करता उस्ताद ईशा खां, उसका डिजाइन करता था। इसके बाद नेक्स्ट है मयूर सिंहासन, जो तख्ते हाउस था उसके बारे में देखेंगे। अभी इसमें जो मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, और इसका निर्माता कौन था, बे बादल खां। मयूर सिंहासन का निर्माता बे बादल खां। इसने अपनी राजधानी को जो है आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया। कब, 1648 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरण किया। जो शाहजहां के शासनकाल में ही उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, इसके चूंकि इसके 4 पुत्र थे, तो इसका जो युद्ध हुआ उसमें था सामूगढ़ का युद्ध, 1658 ईस्वी में हुआ। इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों, ये जो पहला और तीसरा पुत्र, दोनों में एक दूसरे को युद्ध किया। युद्ध में जो है औरंगजेब जीत जाता है और अपने पिता को आगरा के लाल किले के जेल में कैद कर देता है, और जहाँ इसकी मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में हो जाती है। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगला भारत का राजा, मुगल वंश का अंतिम राजा था। और इसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, जैसे इसको पार्ट वाइज आपको समझ में आ रहा होगा उसी प्रकार से करेंगे। तो ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।